निशा उठा जा आराम से, सर पिटना नहीं चाहता तो अभी कम मारा तुझे। ये लो मैडम तुम्हारा फोन, ये लो। तुम जानते इसको, तुम जानते इसको है बॉयफ्रेंड। दोस्तों वैसे तो चोरी बड़ा ही बदनाम पेशा माना जाता है, लेकिन यकीन मानिए जुतियाने और लतियाने का डर मन में लिए जिस तरह से ये चोरी करते हैं किसी का भी दिमाग घूम जाएगा। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं ऐसे ही दुनिया भर से शातिर चोर जिनकी होशियारी देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। हिंदी काउंटडाउन प्रेजेंट स्मार्टेस्ट थीव्स कॉटन कैमरा पार्ट 5। अप्रैल 2022 में वियतनाम के ये दो बच्चे जब वहाँ रखी दो स्कूटी चुराने आए तो पाप करते वक्त भी इन्होंने अपने संस्कार नहीं छोड़े, और स्कूटी चुराते वक्त जैसे इनका ध्यान सीसीटीवी कैमरे पर गया तो एक ने कैमरे की ओर देखकर जहाँ नमस्ते किया तो वहीं दूसरा लौटकर वापस कैमरे में आया और दंडवत प्रणाम करके मालिक से इस चोरी के लिए माफी मांगी। दिसंबर 2021 में ये महिला एक केक की दुकान से कुछ खरीद रही थी, तब कुछ शातिर चोरों की नजर इस पर पड़ गई क्योंकि उसने स्कूटी के आगे सामान रखा था। फिर शुरू हुई प्लानिंग, पहले उसके आगे जाने का रास्ता ब्लॉक किया गया और पीछे मौजूद चोर ने अपनी स्कूटी उसकी स्कूटी से भिड़ाकर फंसा दी, जिसकी वजह से महिला का ध्यान पीछे चला गया। फिर क्या था, महिला ने बड़ी सावधानी से स्कूटी के आगे रखा सामान साफ कर दिया और तीसरी स्कूटी पर बैठ गई और फिर स्कूटी वाले फरार हो गए। और बेचारी महिला को जब ये पता चला तो वो सर पीटते रह गई। प्लानिंग देख रहे हो इनकी, अगर किसी अच्छे काम में इतना दिमाग लगाया होता तो कहां से कहां होते। झपटमारी की घटनाएं न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया भर में आज भी चोरों के लिए एक लापरवाह लोगों की वजह से आसान विकल्प बना हुआ है। फरवरी 2018 के दौरान पूर्वी दिल्ली के वसुंधरा एनक्लेव में दो बाइक सवार झपटमार अपना शिकार ढूंढ रहे थे। पहले उन्हें एक आदमी फोन पे बातें करता दिखा, क्योंकि वो खुद बाइक पर था और उनका पीछा कर सकता था, इसलिए चोरों ने आसान शिकार ढूंढना शुरू कर दिया। और अगले कुछ सेकंड में उन्होंने देख लिया जो था मोबाइल में खोई पेट्रोल पंप के पास खड़ी लड़की। फिर क्या था, वो बाइक नजदीक ले गए और मोबाइल में खोई लड़की को भनक भी नहीं लगी कि वो फोन झपट कर चल दिए। बेचारी चोर चोर चिल्लाकर पीछे भागती रह गई। ऐसा ही कुछ फरवरी 2022 को इन दीदी जी के साथ हुआ जो सड़क किनारे खड़े होकर बड़े तसल्ली से अपने फोन में गुम थी। तभी एक स्कूटी सवार झपटमार इनके बगल से फोन खींचता हुआ निकल गया। ऐसे झपटमारी की घटना वियतनाम में इस महिला के साथ हो गई जो रोड पर चलते हुए अपने बच्चे की बात वीडियो कॉल पर उसके डैडी से करवा रही थी। बस बाइक सवार को आसान टारगेट मिल गया और फोन झपट कर वो फरार हो गया। देश कोई भी हो लेकिन चोरों का तरीका वही रहता है। जैसे फिलीपींस में यहाँ हुआ, कुछ अकेली स्कूल लड़कियों को खड़ा देख एक चोर बाइक से उतर गया और एक आगे जाकर क्रॉसिंग पर वेट करने लगा। कुछ देर शख्स भी यहाँ वहाँ टहलते टहलते सही समय देखकर जिस लड़की के पास आईफोन 6 था उसने जैसे ही फोन ऊपर हाथ में उठाया इसने भाग कर छीन लिया, जो हम दिखा नहीं सकते वरना यूट्यूब हमारी बैंड बजा देगा। खैर आईफोन छीनकर चोर बाइक पर बैठकर सवार हो गया और सारी लड़कियां मूक दर्शक बनी देखती रह गई। इसलिए हमेशा सतर्क रहे, सावधान रहे और रोड साइड खड़े होकर इतनी लापरवाही से फोन कभी इस्तेमाल ना करें। आपको इस बात का ध्यान रखना जरूरी है, फोन आपकी लाइफ से ज्यादा कीमती नहीं है, इसलिए भिड़ने से पहले जरूर सुनिश्चित कर लें कि चोर के पास हथियार तो नहीं है। अब भैया जब ये झपटमार सीधा हाथ से फोन झपट कर ले जा रहे हैं तो अगर आप सड़क पर ट्राइपॉड पर फोन लगाकर टिकटॉक या इंस्टा रील बनाओगे तो क्या होगा, खुद देखिए अंजाम। ग्वालियर के महाराजपुर के पास श्याम गुर्जर नाम के एक ऐसे चोर को पकड़ा गया जो सिर्फ 20 सेकंड या उससे भी कम समय में एक बुलेट का लॉक भी तोड़ देता है और बिना चाबी उसे स्टार्ट भी कर देता है।
और जब पुलिस वालों ने अपनी बुलेट पर उसे हाथ आजमाने और डेमो दिखाने को कहा तो वो देखकर दंगी रह गए। सरकार चालू। पुलिस ने बताया इस अनोखी तकनीक का इस्तेमाल करके श्याम और उसकी गैंग ने 3 से ज्यादा बुलेट चुराई है। अब शातिर चोर सिर्फ इंसान ही हो ये कहना सही नहीं रह गया। जैसे 12 अप्रैल 2022 के दिन थाईलैंड में जब ये जनाब अपने फोन में बिजी थे तब उसके पास एक डॉग आता है और चुपके से उसके चप्पल उठाकर भाग जाता है। अब लड़का खड़ा हुआ और बेचारा चप्पल ढूंढ ढूंढ कर थक गया। वो भी बेचारा सोच रहा था कि चप्पल जमीन खा गई या फिर आसमान निगल गया। इसी प्रकार मई 2016 में गुंटूर आंध्र प्रदेश के एक ज्वेलरी शॉप के बाहर बंदर ने अमरूद शॉप में फेंका, दुकान वाले को लगा गलती से आ गया तो उसने गेट खोलकर वापस उस अमरूद दे दिया। फिर क्या था, बंदर ने झट से मौका मिलते ही गेट खोला और सीधा काउंटर पर बैठकर ड्रॉवर से 10,000 रुपए निकाले और अफुचक्कर हो गया। बेचारा दुकानदार उसके पीछे भागता रह गया। दरअसल ये ट्रेंड बंदर था जिसे पैसे चुराने की ट्रेनिंग दी गई थी। शॉप पर पैसे आदि हमेशा लॉक करके बैठे हैं। मुसीबत किस रूप में आ जाए कोई नहीं जानता। पाकिस्तान के इन चोरों का चोरी का तरीका देखिए। दुकान से काम वाले लड़के को बातों में लगाकर चोरों ने उलझाया, फिर थोड़ी एक्टिंग के बाद उसने मालिक को भी अंदर से इशारा करके बुला लिया। जब दुकान खाली हो गई तब इनका साथी चोर यानी कि लड़का चुपचाप गुपचुप तरीके से दुकान में घुसा और गल्ला साफ कर दिया। और जब काम हो गया तो इधर वो चोर भी चलते बने। टीम वर्क देख रहे हो इनका, इसलिए हम फिर कहते हैं गल्ले को हमेशा लॉक करने की आदत बना लो भाई। इंडियन को ये बोलकर खूब ट्रोल किया गया कि वो भीड़ लगाकर जेसीबी की खुदाई देखते हैं। अरे सिर्फ देखते नहीं है, सीखते भी है। जैसे कुछ महाराष्ट्र के सांगली में 23 अप्रैल की रात को हुआ, जहां चोर सीधा चुराई गई जेसीबी लेकर एक्सिस बैंक के एटीएम में घुस गया और जेसीबी की मदद से पूरा का पूरा एटीएम उखाड़ के रवाना हो लिया। खैर जेसीबी की खुदाई देखकर जेसीबी तो चलाना सीख गया, लेकिन बेचारे से एटीएम नहीं खुल पाया और वो दोनों छोड़कर भाग गए। बाद में पुलिस वालों को चोरी की गई जेसीबी और 27 लाख रुपए कैश के साथ एटीएम थोड़ी दूरी पर ही पड़ा मिल गया। ऐसे ही जयपुर में 4 सितंबर 2017 की रात 11:20 के आसपास दो चोर एक खुले दरवाजे से फ्लैट के अंदर घुस गए और अपने खास औजार जो हमने लास्ट वीडियो में आपको दिखाया था उसकी मदद से बाइक का लॉक तोड़कर बड़े आराम से फरार हो गए। 23 फरवरी 2018 को राजस्थान के भीलवाड़ा की व्यास कॉलोनी में टी शर्ट पहने इस शख्स ने जब घर के बाहर खड़ी बाइक देखी तो उसका मन डोल गया। उसने तुरंत बाइक का लॉक तोड़ा और घर से थोड़ी आगे तक धकेल कर ले गया ताकि स्टार्ट करने की आवाज ना आए और फिर बाइक स्टार्ट करके फुर्र हो गया। इंदौर में घर के बाहर लाल टी शर्ट पहने लड़का पहले तो काफी देर तक घूमकर रेकी करता रहा, लेकिन फिर जब इससे संतुष्टि हो गई कि घर के बाहर कोई नहीं है, सब आराम कर रहे हैं, तब इसने चुपके से घर का दरवाजा खोला और साइकिल चुराकर चंपत हो लिया। हम पहले भी कहते आए हैं और आज भी कहेंगे, बाइक वगैरह में व्हील लॉक जरूर लगाइए और कृपया दरवाजा यूं खुला मत छोड़िए, क्योंकि चोर कभी दरवाजा खटखटाकर नहीं आते। 15 जून 2016 की सुबह 8:30 बजे कराची में जब ये स्टूडेंट फोन पर बात कर रहा था तभी अचानक दो बाइक सवार बड़े प्यार से वहां रुके जैसे कोई पता पूछने वाले हो, लेकिन अंकल ने तहखाने से हथियार निकाल लिया। अब इस चोरी की खूबसूरती देखिए, ना ही गोली चली ना ही समय बर्बाद हुआ,
बिना एक शब्द बोले चोर लड़के को अपनी बात समझा गए और लड़का समझ भी गया और दोनों चुपचाप चल दिए। इसे चोरी नहीं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कहना ज्यादा सटीक रहेगा। मार्च 2021 को एक स्कूटी सवार चोर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मेडिकल स्टोर पर आता है और महिला से रॉकेट 1H नाम की दवाई का बॉक्स मांगता है। जैसे महिला ने दवाई का बॉक्स उसके हाथ में दिया वैसे ही वो स्कूटी का एक्सीलेटर दबाकर फरार हो जाता है और इधर बेचारी दुकान वाली सन्न होकर उन्हें बस देखती रह जाती है। घोर कलयुग भाई। अक्टूबर 2021 में चेन्नई में गाड़ियों का कांच तोड़कर अंदर के सामान को चुराए जाने की काफी वारदातें सामने आ रही थी, जिसकी जब तहकीकात की गई तो पुलिस वाले भी देखकर हैरान रह गए कि चोर कार के शीशे तोड़ने के लिए कोई बहुत भारी मशीन नहीं बल्कि एक मामूली से रबर बैंड का इस्तेमाल करते थे। ना ज्यादा मेहनत ना आवाज। पकड़े जाने पर चोर द्वारा दिए गए इस डेमो से आप देख सकते हैं कैसे घर पर मिल जाने वाले रबर बैंड और लोहे के स्टैंड की मदद से छोटी सी मेटल बॉल मारकर ये शीशे तोड़ते थे। दरअसल ये शीशे इस तरह से बने होते हैं कि सडन शॉक या प्रेशर से पूरे बिखर जाते हैं। सिर्फ रबर बैंड ही नहीं बल्कि स्पार्क प्लग के छोटे टुकड़े मारकर भी ये शातिर चोर बड़ी आसानी से शीशा तोड़ देते हैं। बंद गाड़ी में कीमती सामान छोड़कर कभी ना जाएं क्योंकि इन चोरों की नजर ऐसी कार्स पर रहती है और ये इनका शीशा तोड़कर सामान चुराकर रफू चक्कर हो जाते हैं। चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं, देखिए कैसे दिन दहाड़े दिल्ली के द्वारका में दो स्कूटी सवार चोर आए और लोगों के आसपास होने के बावजूद मारुति सुजुकी K10 कार का बोनट खोलकर बैटरी चुरा ले गए और किसी को खबर तक नहीं लगी। पाकिस्तान के कराची के इस चोर ने तो हद ही कर दी। जिस दिन इसे चोरी के मामले में अदालत से बेल मिली उसी समय बाहर आकर इसने कोर्ट परिसर से ही बाइक चुरा कर अनोखे अंदाज में शुक्रिया कह डाला। जब चोर के जिम्मे ही चौकीदारी हो तो आप क्या कहेंगे। जी हां, 19 जनवरी 2020 को राजधानी दिल्ली से सटे नोएडा में यूपी पुलिस का एक जवान गश्त मारते मारते दूध का पैकेट ही मारकर फरार हो गया और यूपी के बस्ती जिले में मार्च 2022 को पुलिस कार खड़ी कर ये पुलिस वाला तो बल्ब चुराने लग गया। काहे ओवर टाइम कर रहे हो भाई। 16 नवंबर 2016 को दुकान पर रिचार्ज कराने ये शख्स आया और फोन पर पूछने लगा कि रिचार्ज हुआ कि नहीं, लेकिन उसका असल मकसद तो कुछ और ही था। दरअसल लापरवाह दुकानदार को देखते हुए रिचार्ज के साथ साथ एक फोन फ्री में लेकर चलता बना। इनके लिए जोरदार ताले बनती बॉस, इसलिए दुकानदार भाई हमेशा सतर्क रहें, सावधान रहें, मस्ती तो चलती रहेगी। भरोसे पर दुनिया कायम है लेकिन आज इसके मायने बदल चुके हैं। महाराष्ट्र के अकोला में जुलाई 2019 को मकान मालिक बाहर गया लेकिन नौकरानी को घर की चाबी दे दी और इस नौकरानी ने घर खाली पाकर अलमारी खोलकर झाड़ू से सफाई के बजाय हाथ की सफाई कर दी। खैर 13 दिन बाद नौकरानी पकड़ी गई क्योंकि इन्होंने उसकी वेरिफिकेशन करवा रखी थी, लेकिन फिर भी पूरा घर एक नौकरानी के जिम्मे छोड़ना, ऊपर से पैसों की अलमारी चाबी भी वहीं पर छोड़ना कितनी अकलमंदी आप देख ही सकते हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि लोगों को इतनी जल्दी क्यों होती है, वो बाइक में चाबी निकालना ही भूल जाते हैं जैसे इन्होंने किया और बाइक में चाबी दे के इन जनाब ने ऑटो से घर जाने के बजाय बाइक से घर जाने का मन बना लिया। अब भुगतो। आसाम के गुवाहाटी में जहां सभी वाहन वाले सड़क पर बैठी लावारिस मुर्गी को बचा बचा कर गाड़ी चला रहे थे, वहीं एम्बुलेंस वाले की नजर जब इस पर पड़ी तो उसने एम्बुलेंस रोकी और उसे फ्री राइड दे डाली। बाकी उसके चेहरे की स्माइल चीख चीख कर बोल रही थी विनर विनर चिकन डिनर। लेकिन ये जनाब तो एक स्टेप आगे निकले, जिन्होंने पहले मुर्गी पकड़ी और उसे चारा बनाकर मुर्गी को रिझाया और मात्र कुछ सेकंड्स में एक के दो करके वहां से रफू चक्कर हो गया। 19 दिसंबर 2016 की रात लास वेगास में मौजूद यामा डीलरशिप में 8 चोरों की पूरी गैंग ने धावा बोल दिया, जिसमें उन्होंने अपने प्लान के तहत पहले तो साइड मिरर पर पत्थर मारे और शीशा तोड़ दिया, जिससे वो अंदर घुसकर अंदर दुकान का फ्रंट दरवाजा तोड़ते हैं और फिर एक एक करके सब अपनी मनपसंद डर्ट बाइक चुरा कर भाग गए। करीब 7 बाइक बाहर निकाली गई लेकिन चोरी करके केवल 4 भागे, बाकी 3 बुरी तरह से डैमेज कर दी गई।
हमने आपको भारत के दुपट्टा गैंग के बारे में बताया था, लेकिन अब देखिए पाकिस्तान में कैसे इन्होंने उन्हें अंदर घुसने से रोकने के बावजूद धावा बोला। और जनाब का फोन कब गायब हो गया उन्हें पता ही नहीं चला। लखनऊ के इंदिरा नगर में चोर एक घर की काफी देर तक रेकी करने के बाद सीवर लाइन का मेन होल ढक्कन चोरी कर गए, भाग गए। सीवर लाइन के ढक्कन भी सुरक्षित नहीं है दोस्तों। पाकिस्तान के कराची में नवंबर 2021 को इस महिला का पीछा करते हुए एक चोर आया। महिला बस घर की डोर बेल बजाने वाली थी कि चोर ने उसके साथ मारपीट की जो हम दिखा नहीं सकते। उसके बाद सोने की चैन झपट कर साथी संग बाइक पर फरार हो गया। दिल्ली के रोहिणी में 29 मार्च 2022 को एक कार के आगे स्कूटर रोककर शख्स ने नकली एक्सीडेंट की एक्टिंग कर बहस शुरू की। तभी पीछे से दूसरा शख्स आया और शीशा तोड़ दिया। फिर क्या था, उन्होंने जबरदस्ती डिक्की खोली और उसमें रखे 1,97,00,000 रुपए से भरे 3 बैग लेकर चंपत हो गए। खैर ये चोर कुछ दिन बाद पकड़े गए, लेकिन ऐसी स्थिति में जब आपके पास रुपया हो आपको ज्यादा सावधानी रखने की जरूरत है। शीशा तोड़ते ही ड्राइवर को कार भगा देनी चाहिए थी, और पैसे ले जाते समय मुखबरी ना हो उसके लिए काम चुपचाप करना जरूरी है। आपने छोटे मोटे दरवाजे और गटर के ढक्कन चोरी करते तो हमारे चैनल पर चोरों को बहुत बार देखा होगा, लेकिन बिहार के इन चोरों का कारनामा सुनकर तो आप उछल पड़ोगे। बिहार के रोहतास में अप्रैल 2022 के दौरान कुछ चोर सिंचाई विभाग के कर्मचारी का भेष बनाकर आए और गांव वालों को ये यकीन दिलाया कि उन्हें 60 फुट लंबे लोहे के पुल को हटाने का काम सौंपा गया है। दरअसल आरा कैनाल नहर पर गांव में 1971-72 में बने उस पुल से लगभग 50 से 100 मीटर दूर ही एक दूसरा पुल बन गया था, जिस वजह से लोहे के उस पुल का कोई इस्तेमाल नहीं करता था, उल्टा वो जंग खा रहा था, जिसकी शिकायत गांव वाले कई बार विभाग में कर चुके थे, जिस वजह से उन्हें चोरों पर शक भी नहीं हुआ। उल्टा उन्होंने तो दोनों चोरों की पुल काटने में मदद की। फिर क्या था, चोर लगभग 3 दिनों तक वहां पर डेरा डालकर बैठे रहे और किराए की जेसीबी व कुछ मजदूरों व गांव वालों की मदद से लोहे के पुल को काट काट कर लोडर में भर कर रफ चक्कर हो गए। बिहार में चोर भी गजब कमाल करते हैं यार। तो दोस्तों हमारी आज की यात्रा यहीं पर समाप्त होती है। क्या आप इस सीरीज का अगला पार्ट देखना चाहेंगे? अगर हाँ तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताना, और अगर इनसे डर लग रहा है तो हमारी बेवकूफ चोरों वाली सीरीज देखकर मन हल्का कर लीजिए।